दोस्तों इस फोन को अनलॉक करने के सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे कनेक्टिंग वाईफाई कर रहा है, तो हम स्किप पे हम क्लिक करेंगे। जैसे स्किप पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है हमें, कोई भी हॉटस्पॉट से जो है कनेक्ट कर लेना है। तो मैं एक पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे हम इसमें पासवर्ड टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करने का सिंपल से स्टेप्स है। इसमें जो जो अगर यूट्यूब का एरर वगैरह आता है वो भी बता दूंगा, और एंड्रॉइड सेटअप वर्क नहीं करता है तो वो ट्रिक भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हो मोटरोला प्राइवेसी की एक पॉलिसी दिख रहा है, इसके अंदर हमें जाना है। तो जैसे हम इसमें जाते हैं, तो यहाँ उसके बाद में हमें देखना है अबाउट दिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार ये पॉलिसी ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो अबाउट दिस स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे हमें मोटरोला की साइट जो है उसको हमें ढूंढना है, तो मोटरोला की वेबसाइट हमें दिखेगा, ये देख पा रहे हो। तो इसमें हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मोटरोला की साइट ओपन हो जाता है, ये वापस बैक आ चुका है, इसमें दोबारा जाते हैं। मोटरोला की वेबसाइट जैसे ओपन हो जाता है, उसके थ्रू जो है हम गूगल क्रोम में जा पाएंगे। ये देख पा रहे वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हमें आइकन अकाउंट में क्लिक करना है, जहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, तो अकाउंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में मोटरोला के साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, ये देख पा रहे एक गूगल का दिख रहा है, एक मोटरोला का दिख रहा है। तो मोटरोला पे हमें क्लिक करना है। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब हमें ईमेल के यहाँ पे जो है प्रेस कर, लॉन्ग प्रेस कर रखना है, या कोई भी वर्ड टाइप कर दो ताकि जो है शेयर का ऑप्शन दिख जाए। जैसे कि मैंने डबल टैप किया, यहाँ पे देखो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो शेयर वाले ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। ये देख पहले कॉपी और साइड में बीच में शेयर, तो मैंने इसमें मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेजेस ओपन होगा। अब यहाँ पे मैसेजिंग में जाना है। मैसेजिंग में जाने के बाद में यहाँ पे न्यू मैसेज टाइप करना है। तो न्यू मैसेज पे जैसे आप टाइप कर लेते हो, यहाँ पे जो है कोई भी कंपनी का नंबर टाइप कर दीजिए, मतलब 1122 या कुछ भी टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद में जो है हमें मैसेजिंग बॉक्स में कुछ टाइप करने हैं, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो मैसेजिंग बॉक्स है टाइपिंग का, यहाँ पे जो है हमें इसको पहले कट कर देना है। और यहाँ पे जो है ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैमरा, और कैमरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कैमरा वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। तो जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे, तो एक यहाँ पे इमेज आइकन दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है इस मोबाइल का, मतलब डिस्प्ले का। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए वॉल्यूम के अप एंड डाउन की को दोनों, डाउन की और पावर की को एक साथ प्रेस करना है। तो वॉल्यूम के डाउन की और पावर को एक साथ प्रेस करते हैं तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और उसके बाद में जो है इसको हम अटैच कर सके, मतलब यहाँ पे इस वाला आइकन में क्लिक करोगे और यहाँ पे इस वाला आइकन में क्लिक करोगे, तो ये जो है अटैच हो जाएगा स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है शेयर गूगल गूगल का सर्च इंजन सर्च इमेज जो है ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे जो है इस वाला आइकन में क्लिक करना है, और यहाँ से हमें जो है इसको डाउन करना है। तो आप देखो गूगल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है थ्री डॉट दिख रहा है, वो साइड में थ्री डॉट में हमें क्लिक करना है, और टर्म्स ऑफ सर्विस में क्लिक करना है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब देखोगे ये गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जो है एक्सेप्ट कर देना है, नो थैंक्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे एक साइट हमें टाइप करना है। तो उस सबसे पहले जो ये आइकन है ऐप वाले, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गूगल सर्च का ऐप जो है उसमें हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से देख पा रहे गूगल दिख रहा है, इसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे जो है हमें एक साइट टाइप करना है, EFRP.me। तो जैसे हम ये टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद में इसको जो है सर्च कर देना है। अब इस सर्च करने के बाद में साइट ओपन हो चुका है, साइट आ चुका है। इसमें हम एंटर होंगे, एंटर होने के बाद में ओपन सेटिंग का ऑप्शन ढूंढ लेंगे। तो ओपन सेटिंग देख पा रहे ये है ओपन सेटिंग, इसमें हमें जाना है। तो जैसे हम इसमें जाते हैं, मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। इसमें हम जाने के बाद में सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसको डाउन करना है, और बैटरी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है दिखाई दे रहा है, ये बैटरी वाला ऑप्शन में हमें आना है। तो जैसे हम इस वाले ऑप्शन में आते हैं, आने के बाद में यहाँ पे
बैटरी यूजेस, इसको ऑन कर देते हैं, बैटरी यूजेस में हम क्लिक करते हैं। बैटरी यूजेस में क्लिक करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर कोई भी ऐप जो है रनिंग नहीं है जो बैटरी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कोई ऐप नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमें दो चीज़ें कंज्यूम कराना पड़ेगा बैटरी, एक गूगल प्ले सर्विस और एक जो है एंड्रॉयड सेटअप। तो कंज्यूम कराने के लिए हमें वापस बैक आना है, बैक आना है और यहाँ पे जो है आप देखोगे ओपन गूगल प्ले स्टोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें प्ले स्टोर ढूंढना है। तो ये प्ले स्टोर है, इसको हमें ओपन करना है। तो इसको जैसे हम ओपन करेंगे साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गूगल साइन इन का। अब यहाँ से जो है इसमें हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कि ये पैटर्न मांग रहा है तो ईमेल पे क्लिक करना है। ईमेल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है साइन इन का पेज होता है, मतलब ये ईमेल आईडी टाइप करने का। तो यहाँ पे जो है हमें ब्रॉन्ग टाइप करना है, राइट कुछ भी टाइप नहीं करना। तो ब्रॉन्ग चीज़ें कुछ भी एक्स वाई जेड यानी जो है कीबोर्ड टाइप करते रहो। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बैटरी जो है कंज्यूम हो, अभी इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं होगा। आप परसेंटेज नोट कर लो डिस्प्ले में, जैसे कि मान लो 50% है तो 49 मतलब 1% कम करना है हमें, इतनी देर हमें टाइप करना है कीबोर्ड में। तो जैसे कि मैं बार बार टाइप करते जा रहा हूँ जब तक इसका 1% कम नहीं होता है बैटरी। तो ये चीज़ें क्या है हमें करना, ये ट्रिक जो है वर्किंग है। अभी जैसे कि आपने देखा कि एक भी ऐप जो है रनिंग नहीं है जो बैटरी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन हम इसमें ब्रॉन्ग टाइप करते रहेंगे लगातार 2 मिनट 10 मिनट तो जो है कंज्यूम हो जाएगा, मतलब एंड्रॉयड सेटअप और गूगल प्ले सर्विस जो है वो कंज्यूम करने लगेगा बैटरी। हमें सिर्फ वही ज़रूरत है, तो इसलिए लॉन्ग टाइप करते रहे, जरूरत पड़ने पर 10 मिनट या 15 मिनट टाइप करते रहे। तो जैसे कि देख पा रहे मैं टाइप करे जा रहा हूँ, थोड़ी देर लगातार 1 से 2 मिनट और टाइप कर लेता हूँ। तो वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है, जैसे मेरा ये बैटरी का चार्ज 1% कम होगा तो मैं ऑटोमेटिक बैक कर लूंगा। तो फाइनली गाइस अभी देख पा रहे हो बैटरी 1% कम हो चुका है। अब मैंने इसको बैक कर लिया सेटिंग में। अब यहाँ से जो है हमें वापस सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद में बैटरी वाले फंक्शन में जाना है और उसके बाद में बैटरी यूजर्स में जाना है। अब जैसे इसमें यहाँ जाते हैं आप देख पा रहे हो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 3 ऐप जो है बैटरी कंज्यूम किया है। तो ये जो गूगल प्ले सर्विस है पहले इसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो है डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल करना है और फोर्स स्टॉप हमें करना है। तो पहले डिसेबल कर दिया, डिसेबल करने के बाद में हमें जो है फोर्स स्टॉप भी करना है। और मोबाइल को जो है ये जो करने के बाद में हमें जो है इसको रिस्टार्ट मारना है फोन को। तो डिस्प्ले में जो लॉक का जो सिंबल दिखाई दे रहा था वो अभी हाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल कर रखा है इसलिए हाइड हो जाएगा। तो अब उसको क्या है ये रीस्टार्ट इसलिए मारा है ताकि वो जो है एफआर लॉक रिमूव हो जाए और फिर हम कुछ सेटिंग के थ्रू जो है वापस वो गूगल प्ले सर्विस को जो है एनेबल कर दे।
अभी देख पा रहे हो लॉक का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो सेम ट्रिक हमने यूज़ किए थे उसी तरीके से सेम वापस सेटिंग के अंदर हमें जाना है। तो उसके लिए हमें सेटिंग, ये फिलहाल अभी इसमें है नहीं लॉक सिंबल, तो अभी हमें क्या गूगल प्ले सर्विस को एनेबल करना है। तो एनेबल करने के लिए आपको वापस वही ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। मैंने स्किप पे क्लिक किया, यहाँ पे जो स्टेटमेंट वाला जो सिस्टम है प्राइवेसी पॉलिसी मोटरोला लगा, तो इसमें हमें वापस क्लिक करना है। उसके बाद में अबाउट दिस स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन है उसमें हमें जाना है, और फिर मोटरोला की वेबसाइट में हमें जाना है। तो मोटरोला की वेबसाइट में हम एंटर होंगे, जैसे मोटरोला की वेबसाइट में हम एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद में वही सेम अकाउंट वाले आइकन में क्लिक करना है, और उसके बाद में मोटरोला के अकाउंट में क्लिक करना है। अब जैसे मोटरोला के अकाउंट में क्लिक करते हैं, यहाँ से जो है इसमें क्लिक करना है, डबल टैप करना है और शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। ये मैसेजिंग वाला जो ऑप्शन दिया था इसमें हमें क्लिक करना है, और यहाँ से जो ऑलरेडी टैप करा हुआ इसमें हमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ से जो है वापस इसको हमें अटैच करना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जैसे हम अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद में इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इससे इंटरव्यू शो होगा। अब यहाँ से जो है शेयर पे क्लिक करते हैं, शेयर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से गूगल वाला आइकन में क्लिक करते हैं, और उसके बाद में इस तरह से इंटरव्यू शो होगा। 3 डॉट में जाते हैं और टर्म्स और पॉलिसी में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद में गूगल क्रोम जो है ओपन हो जाएगा, ये ऐप वाला आइकन में क्लिक करते हैं और गूगल सर्च में क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ से जो है हमें उस साइट को टाइप करते हैं, और साइट के अंदर हम एंटर होते हैं। तो जैसे हम एंटर हो जाएंगे वही सेम सेटिंग के अंदर वापस जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में यहाँ से जो है हमें अब ऐप वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऐप। तो ऐप में जाने के बाद में सी ऑल ऐप में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में जो है गूगल प्ले सर्विस को हम देखेंगे, यहाँ से ये देख पा रहे गूगल प्ले सर्विस है, ये जो क्लिक नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो डिसेबल वाला ऑप्शन को चॉइस करेंगे, उसके बाद में देख पा रहे गूगल प्ले सर्विस है, इसमें हम क्लिक करें, ये भी जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और जो है रीसेट करेंगे ऐप परफॉर्मेंस को। तो जैसे हम ऐप परफॉर्मेंस को रीसेट करते हैं, जो ये ऑटोमेटिक जो है गूगल प्ले सर्विस जो है एनेबल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये एनेबल हो चुका है, अब हमें क्या बैक आना है कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली जहाँ होम पेज आता है उसी जगह पे आना है। अब जैसे आता है इसमें हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में ये नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में गूगल सर्विस आ चुका है, इसमें हम नेक्स्ट किया, फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे पिन स्किप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साइड में, स्किप पे हम क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ से अब ये राउंड अप होगा, यहाँ से ये सेटिंग आ चुका है। अब यहाँ सिंपली जो है इसमें इसमें क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे हो हमारा मोबाइल का जो एफ आर ब्लॉक है वो रिमूव हो चुका है, जब इतना आगे हम स्टेप्स को फॉलो किए। अभी देख पा रहे हो होम पेज भी आ चुका है, ये ट्रिक वर्किंग है। और सिक्योरिटी की बात करूँ तो मार्च मार्च का सिक्योरिटी है, और उसका एंड्रॉइड वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अबाउट में जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो मार्च 2024 का सिक्योरिटी है, इसका अपडेटिंग देख पा रहे हो।